आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। अग्निपथ योजना के खिलाफ तीसरे दिन भी प्रदर्शन जारी। बिहार में जम्मू तवी गुवाहाटी ट्रेन में लगाई आग, बलिया स्टेशन पर भी तोड़फोड़। अग्निपथ के सपोर्ट में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी बोले, देश को यंग आर्मी की जरूरत, स्कीम सही दिशा में उठाया गया कदम। राहुल को ईडी से 3 दिन की मोहलत। सोनिया की खराब तबीयत के चलते राहुल ने पूछताछ टालने को कहा, ईडी ने दी मंजूरी। 16 दिन में टीचर की हत्या का बदला। कश्मीर एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर, एक ने स्कूल में घुसकर कश्मीरी हिंदू टीचर को मारी थी गोली। मुंबई पुलिस को चूहों के बिल से मिला 10 तोला सोना। खाने के पैकेट में था 5 लाख का सोना, बच्चों ने फेंका और चूहे उठा ले गए। जुम्मे की नमाज को लेकर सहारनपुर से गोरखपुर तक अलर्ट, पुलिस ने तैनात किए ड्रोन, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। मैटरनिटी लीव पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब 2 साल में 2 मातृत्व अवकाश का लाभ। बलिया में अग्निपथ का विरोध, ट्रेनों में तोड़फोड़, मेमू और पैसेंजर ट्रेन को जलाने का प्रयास किया, पुलिस पर भी पथराव। सीतापुर में पीएससी जवान का कमरे में मिला शव, 2 दिनों से ड्यूटी पर कार्यालय नहीं पहुंचा था जवान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोलेगी मौत का राज। बरेली से जुड़ रहे यूपी के प्रोटेस्ट के तार, इंटेलिजेंस को मिले इनपुट, संडे को भी हो सकता है प्रोटेस्ट, जुम्मे के लिए पुलिस ने कसी कमर। पाकिस्तान क्या अमीर सियासतदान, शहबाज इमरान से ज्यादा अमीर है बिलावर भुट्टो, उनके पास 150 करोड़ की प्रॉपर्टी। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के आइसलैंड, दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश, भारत 3 पायदान चढ़कर 135वें स्थान पर। अलकायदा के बाद आईएसके की धमकी, पैगंबर पर विवादित बयान को लेकर कहा, मौके मिलते ही भारत पर हमला करेंगे। अफगानिस्तान में गरीब हुआ बड़ा पत्रकार, तालिबानी कब्जे के बाद बेच रहा खाने पीने का सामान, सोशल मीडिया पर फोटो हुई वायरल। पाकिस्तान में अलग इस्लामिक देश जिहाद का ऐलान, टीटीपी से घबराई शहबाज सरकार, भेज रही मौलाना। इंडोनेशिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे प्रणय, प्री क्वालिफाइनल में अपने से 11 रैंक ऊपर हांगकांग के एंग का, लॉन्च एंगुस को हराया। भारत के खिलाफ सीरीज से पहले आयरलैंड के दिग्गज खिलाड़ी विलियमसन ने लिया संन्यास, 16 साल के करियर का हुआ। नितिन मेनन आईसीसी के एम्पायर एलीट पैनल में कायम, 11 सदस्यों में अकेले भारतीय। सीडब्ल्यूजी में नीरज चोपड़ा करेंगे भारतीय एथलेटिक्स दल की अगुवाई, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 37 सदस्य टीम घोषित। न्यूजीलैंड के डेवोन कॉनवे कोरोना संक्रमित, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज पर संकट के बाद। विशाल ददलानी ने भारत के मुसलमानों से मांगी माफी, बोले देश की राजनीति पर शर्मिंदा हूं, आपका दर्द हमारा दर्द है। निक जोनस मानते हैं खुद को लकी, बोले कठिन समय में प्रियंका मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी रही। बीआर चोपड़ा का जुहू स्थित बंगला 183 करोड़ रुपए में बिका, डेवलपर ने रजिस्ट्रेशन के लिए चुकाई मोटी रकम।
इंतजार हुआ खत्म, मिर्जापुर सीजन 3 की शूटिंग अगले हफ्ते से होगी शुरू। कालीन भैया बोले, मैं एक बार फिर एक्साइटेड हूँ। भूल भुलैया 2 ने 175 करोड़ का आंकड़ा किया पार। कार्तिक बोले, अब ये सर्टिफाइड ब्लॉकबस्टर फिल्म बन गई। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।